हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माही आर्ट विजन। आज का टॉपिक है हाउ टू ड्रॉ बकेट ऑब्जेक्ट ड्राइंग। इसके लिए आज हम स्टेप बाय स्टेप से बकेट कैसे ड्रॉ करना है ये सीखेंगे। सबसे पहले हम आउटलाइन के लिए HB पेंसिल का यूज़ करेंगे, वो काफ़ी लाइट होती है। तो सबसे पहले एक स्ट्रेट लाइन हम ड्रॉ कर लेंगे, सभी लाइन्स विदाउट स्केल करने की कोशिश करो। इसके बाद हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हमारा विड्थ बकेट का कितना होगा हम फिक्स करेंगे। जैसे मैं वीडियो में बता रहा हूँ उस प्रकार से हमें बकेट की विड्थ यानी कि चौड़ाई फिक्स करनी है। दोनों तरफ मार्किंग करके सेंट्रल लाइन के पैरेलल दोनों लाइंस को ड्रॉ करना है, जिस तरीके से मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। वीडियो अच्छे से देखकर आप भी उसी तरह से बनाने की कोशिश करेंगे। उसके बाद बकेट का राउंड यानी कि ऊपरी हिस्सा हम ड्रॉ करेंगे। इसी हिस्से में ज़्यादातर बच्चों की गलतियाँ होती है, तो इस राउंड शेप को कैसे बनाना है इसकी अच्छे से आप देखकर प्रैक्टिस करिए, क्योंकि ये बकेट का इम्पोर्टेंट पार्ट है। राउंड शेप को पैरेलल और एक राउंड शेप हमें बीच में ड्रॉ करना है, वो भी किस तरीके से ड्रॉ करना है अच्छे से आप देखिए। ये बकेट का ऊपर वाला कॉर्नर का हिस्सा है जो हम ड्रॉ कर रहे हैं। आज का ड्राइंग जो हम सीख रहे हैं वो स्कूल स्टूडेंट, एलिमेंट्री और इंटरमीडिएट ग्रेड एग्ज़ाम के स्टूडेंट के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि उसमें स्टिल लाइफ या फिर ऑब्जेक्ट ड्राइंग में बकेट ये ऑब्जेक्ट आता ही है। तो आज का वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है उन बच्चों के लिए। उसके बाद हम बकेट का कॉर्नर वाला हिस्सा कंप्लीट कर लेंगे। ये हिस्सा काफ़ी ब्रॉड होता है। अब हम बकेट का नीचे का हिस्सा ड्रॉ करेंगे, जो ऊपर के ब्रॉड हिस्से के थोड़ा सा अंदर से स्टार्ट होता है और नीचे की तरफ बकेट का हिस्सा ऊपर वाले हिस्से से थोड़ा कम होता है, इसलिए हम तिरछी लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हम एक और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे, क्योंकि ये हमारा एंड पॉइंट है। दोनों तरफ की लाइन होने के बाद हम नीचे का एंड पॉइंट ड्रॉ करते समय भी राउंड शेप का ही यूज़ करेंगे, क्योंकि बकेट राउंड शेप में होती है। जैसे ऊपर हमने राउंड शेप बनाया था उसी प्रकार से हम नीचे भी राउंड शेप बनाएंगे, तो हमारा बकेट और ज़्यादा रियलिस्टिक और परफेक्ट लगेगा। इसके बाद हमें बकेट का बेस यानी कि स्टैंड बनाना है, जो बकेट को होता है नीचे से, वो भी हम राउंड शेप में दिखाएंगे। मैंने एलिमेंट्री एग्ज़ाम से रिलेटेड डिज़ाइन सब्जेक्ट के वीडियोस भी इस चैनल पे अपलोड किए हैं, आप उसे भी देख सकते हैं। उसके बाद हम बकेट का हैंडल यानी कि कड़ी वाला हिस्सा ड्रॉ करेंगे। कड़ी का प्रॉपर ब्रॉडनेस जो होता है यानी कि उसकी मोटाई होती है कड़ी की, उसको प्रॉपर तरीके से हम ड्रॉ करेंगे। इस प्रकार से हमारा बकेट का ड्राइंग हो गया है। अब हम सभी लाइंस को थोड़ा डार्क कर लेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि इस चैनल पे मैं ड्राइंग से रिलेटेड सभी वीडियोस अपलोड करता हूँ, तो बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। अगले वीडियो में मैं इसको कलर करके बताऊँगा। तो बाय एंड स्टे सेफ।